हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 30 मार्च 2020 के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ लेकर अपने चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस पर। यह करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। साथियों, कोरोना वायरस महामारी चल रही है तो उसके लिए सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, तो आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। नेक्स्ट, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है। निम्नलिखित में से किसी स्मार्टफोन कंपनी ने COVID-19 के लिए स्क्रीनिंग वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जियोमी, ऑप्शन बी नोकिया, ऑप्शन सी मोटोरोला, ऑप्शन डी एप्पल। दोस्तों, विदेश की यानी कि वर्ल्ड की प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी एप्पल ने COVID-19 के लिए स्क्रीनिंग वेबसाइट और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की सहायता से एक ऐप लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल। यह जो ऐप ऐप है एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में अधिक से अधिक यूजर्स को जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का हल्के लक्षणों के बाद कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी चीन के प्रधानमंत्री का, ऑप्शन सी जापान के प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी सऊदी अरब के प्रधानमंत्री का। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का हल्के लक्षणों के बाद कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस इस समय महामारी चल रहा है जिसको कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी दोनों को जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिला है, यानी कि उन्हें कोरोना वायरस है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे घातक वायरस के खिलाफ सरकार के संघर्ष में ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे, यानी कि सरकार की गतिविधियां संचालित करने में सहयोग करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन, भारतीय राजस्व सेवा IRS इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के किन दो अधिकारियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी कृष्णकांत और जगदीश प्रसाद, ऑप्शन सी रमाकांत गुप्ता और बेनी प्रसाद, ऑप्शन डी प्रमोद कुमार और मनोज तिवारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता। इन दोनों के बारे में बात की जाए तो कृष्ण मोहन प्रसाद 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं, जो हाल ही में या वर्तमान में दिल्ली में पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र के रूप में फेसलेस ई आकलन योजना के प्रमुख के रूप में सेवारत है। दूसरी बात की जाए, सतीश कुमार गुप्ता भी 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र के मुंबई में इनकम टैक्स के प्रधान मुख्य आयुक्त PCCIT के रूप में सेवारत है, और इसके अलावा वह भोपाल और जयपुर के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। जो CBDT है वो प्रत्यक्ष कर विभाग का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या चार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किस पार्टी के सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया है? ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, बेनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया है। बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, जिसके वर्तमान संरक्षक मुलायम सिंह यादव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या पांच, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोरोना टैक, ऑप्शन बी कोरोना कैच,
ऑप्शन सी कोरोना कवच, ऑप्शन डी कोरोना ट्रक। दोस्तों भारत सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए कोरोना कवच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, कोरोना कवच। इसके अलावा इस जो ये ऐप है इसके माध्यम से यह भी जाना जा सकता है कि उन पर वायरस का कितना खतरा है और उन्हें इससे बचने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, अमेरिका ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत सहित कितने देशों को $17.4 करोड़ आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 84। दोस्तों अमेरिका ने कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है उससे निपटने के लिए भारत सहित 64 देशों को $17.4 करोड़ आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 64 देश, भारत के साथ साथ 64 और देश है। यह जो राशि है यानी कि आर्थिक सहायता $17.4 करोड़ की जो आर्थिक सहायता है इसमें से $29 लाख की सहायता भारत को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता DA बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 18%। कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। महंगाई भत्ते में हुई इस 5% की बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों की सैलरी, जो कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, हर महीने लगभग ₹720 से ₹10,000 प्रति माह की बढ़ोतरी हो गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, कोरोना वायरस से निपटने के लिए RBI ने EMI किस्त चुकाने में कितने महीने की छूट प्रदान की है। ऑप्शन ए 2 महीने की, ऑप्शन बी 3 महीने की, ऑप्शन सी 5 महीने की, ऑप्शन डी 6 महीने की। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के चलते RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने EMI किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट प्रदान की है और उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने में आपको एक मुश्त एक साथ किस्त चुकानी पड़ेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, भारतीय शॉर्ट पुटर नवीन चिकारा वर्ष 2018 में डोप टेस्ट में फेल रहने के कारण कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के चलते DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो को कब तक के लिए परिचालन बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 4 अप्रैल तक, ऑप्शन सी 10 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 14 अप्रैल तक। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस महामारी ने भयंकर रूप ले रखा है, महामारी का रूप ले रखा है, इसके चलते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी रेल सेवाएं यानी कि मेट्रो रेल सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद कर दी है क्योंकि 14 अप्रैल तक भारत में लॉकडाउन घोषित है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 14 अप्रैल। तो साथियों ये था हमारा करंट अफेयर्स GK, जो कि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आपके लिए आवश्यक सूचना, हम लोग इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान GK फॉर RAS एग्जाम, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए भी नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप जल्द से जल्द जितना अच्छा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और राजस्थान GK पढ़िए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और करंट अफेयर्स GK जो कि आपकी SSC UPSC RPSC सभी एग्जाम्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।